तो भाई लोग तुम्हारा भी मैच मेकिंग नहीं हो रहा मेरी तरह, ना ही तुम्हारा सीएस रैंक स्टार्टर है, बीआर रैंक स्टार्टर है, ना सोलो स्क्वाड डुओ में किसी भी मॉडल के मोड में जो है तुम्हारा जो है रैंक स्टार्ट नहीं हो रहा, और अगर स्टार्ट हो जा रहा है तो सामने जो हैकर आ रहा है या तुम्हारी टीम में हैकर आ रहा है, और रैंक स्टार्ट तो नहीं हो रहा, तुम्हारा जो अदर मोड से वो स्टार्ट हो रहा है और उनमें जो हैकर देखने को तुम्हें मिल रहे होंगे, इसका मतलब जो है तुम्हारा आईडी जो है ब्लैक लिस्ट हो चुका है। तो भाई लोग अब तुम्हारा आईडी ब्लैक लिस्ट हो चुका है, अब ये बात कोई करने से फायदा नहीं, तुम्हारा आईडी ब्लैक लिस्ट कैसे हुआ है, अब तुम्हारा मैच मेकिंग नहीं हो रहा मतलब तुम्हारा आईडी ब्लैक लिस्ट हो चुका है, और जो तुम्हें ये वाली बात करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वीडियो में कि तुम्हारा आईडी ब्लैक लिस्ट कैसा हुआ और इसका बहुत सारा वजह हो सकता है, तो डायरेक्ट हम इसके सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। तो भाई लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा कि मैंने जो एक वीडियो बनाया था, मतलब अभी एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने यही वाला मतलब सॉल्यूशन दिया था कि तुम अपना आईडी को जो है ब्लैक लिस्ट से कैसे बचा सकते हो। तो भाई लोग उसमें मैंने एक आईडी दिखाया था जो मैंने जो ब्लैक लिस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था, देखो आज मैं उस आईडी का तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तो भाई लोग मैंने अपनी उस वीडियो में दिखाया था उस आईडी से मतलब रिक्वेस्ट करके दिखाया था कि अपना आईडी कैसे अनब्लैक लिस्ट कर सकते हो, तो भाई लोग वो आईडी में देखो यहाँ पर सॉल्व लिखा हुआ आ गया है और उसमें जो मेरा मैच मेकिंग हो रहा है, मतलब जैसे मैंने रैंक स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ तो मेरा रैंक जो है स्टार्ट हो जा रहा है, बड़ी ईजी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो रहा है, और देखो रैंक की है मैं तुम्हें जो पूरा वीडियो दिखाऊंगा और पर वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया ताकि अपना जो टाइम बच जाए क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद तुम्हें मतलब जो है बीआर रैंक है वो भी तुम्हें प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ ऊपर लिखा है बीआर रैंक और काला हरी जो अभी भी रैंक में आया तो वीडियो फेक तो होने का कोई चांस है ही नहीं, और गाइस मैं फेक वीडियो तो बनाता ही नहीं हूं, तुम जो मैं पुराना सब्सक्राइबर उन सभी को पता होगा। तो भाई लोग अब बढ़ते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ, अगर सब आपको भी मतलब आपके आईडी जो है अनब्लैक लिस्ट करवानी है तो उसके लिए तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है ताकि आपकी भी आईडी जल्दी से जल्दी मतलब ब्लैक लिस्ट से हट जाए। तो गाइस चलो आप शुरू करते हैं, हमारे मेन वीडियो का जो पार्ट है वो शुरू करते हैं ताकि आप जो अपना आईडी जो है ब्लैक लिस्ट से कैसे हटा सकते हो। तो गाइस तुम्हें अपने फ्री फायर गेम में आ जाना है, ठीक है, तो मैं अपने जो गेम में चले जाना हूं और वो वाले आईडी को लॉगिन कर लेना जो आईडी को आपको ब्लैक लिस्ट से हटाना है, और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है सेटिंग में जाना है अपने फ्री फायर की और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमर सर्विस, ठीक है। अब जैसे कस्टमर सर्विस पे आप एक बार टैप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट जो है ओपन होकर आ जाएगी लोडिंग होने के बाद, और देखो ऐसा कुछ इंटरफेस आने वाला है। पर गाइस बंदों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो एक बार बैक कर रहे हैं, कभी गलती से बैक कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर से कस्टमर सर्विस में जा रहे हैं, तो उनका सिर्फ जो है ब्लैक स्क्रीन आपको ऐसा प्रॉब्लम भी होने को देख सकता है, मिल सकता है। तो गाइस उसके लिए भी एक ट्रिक मैं बता देता हूं, तो मैं जो कस्टमर सर्विस वाला जो ऑप्शन है देखो साइड में एक ब्राउजर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ ऊपर साइड में, ठीक है, सबसे क्रॉस वाले सबसे लास्ट वाले फोर्थ नंबर पर जो ब्राउजर का जो ऑप्शन दिख रहा है ना तुम्हें उस पर एक बार टैप करना है, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पर जो ब्राउजर वाले जो ऑप्शन है इस पर टैप करूंगा, अब जैसे मैं इस पर टैप करूंगा ना तुम्हें ये जो अपने मोबाइल के ब्राउजर पे जो है रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, तुम जो अपने मोबाइल के ब्राउजर पे आ जाओगे, ठीक है, और जो तुम्हारा आईडी वगैरह सब कुछ यहां लॉगिन हो जाएगा, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। देखो यहां पर मेरी जो रिक्वेस्ट दिख रही है जो मैंने पुरानी वाली वीडियो में दिखाया था वो रिक्वेस्ट यहां पर दिख रही है, और अपने जो फ्री फायर का नेम भी यहां पर दिखने लग जाएगा, वही वाली आईडी यहां पर आ जाएगी पूरी लॉगिन होकर। और देखो यहां पर जो मेरी जो पुरानी वाली वो रिक्वेस्ट भी दिख रही है जो सॉल्व हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि सॉल्व होने के बाद भी उनका जो मैच स्टार्ट नहीं रहा, उसका भी प्रॉब्लम जो मैं लास्ट में बताने वाला हूं। तो अभी जो हम बढ़ते हैं अभी जो मेन जो वीडियो का टॉपिक है वही वाला क्लियर कर लेते हैं। तो तुम्हें अपने जो नेम है वहां पर जाना है, वहां पर जाने के बाद एक बार तुम्हें टैप करना है, उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन पर तुम्हें जाना है, उसके बाद देखो यहां पर एक नीली नीली लाइन सा डब्बा दिखेगा, इस पर तुम्हें एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद तुम्हें जो है फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना गेम कंसर्न्स, ठीक है। अब गेम कंसर्न्स होने के बाद तुम्हें थोड़ा सा और नीचे मतलब तुम्हारा यूआईडी वगैरह सब लिखा आ जाएगा, फिर टाइप ऑफ गेम कंसर्न्स में तुम्हें जो है थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है टेक्निकल इशू, जाकर उसमें लिखा है मैच मेकिंग, और उसके बाद नॉर्मल फ्री फायर मैक्स में खेलते वो भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें सारा टिक्स पर राइट लगा देना है, और तुम्हें अपना सिम चूज कर लेना जिस सिम से तुम नेट वगैरह यूज करते हो, उसके बाद जो सब पे टिक लगा देना है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिख रहा हूँ सिम तुम्हें यही लिखना है, मेरी वीडियो को मतलब पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना या मतलब कमेंट सेक्शन चेक कर लेना वहाँ पर मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, तो तुम्हें सेम यही लिख लेना है। अब ये लिखने के बाद तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, नीचे जो ऐड फाइल है ना यहाँ पर तुम्हें एक वीडियो बना लेनी है, मतलब मैच स्टार्ट नहीं हो रहा इस टाइप की एक वीडियो बना के यहाँ पर जो है इसको अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब अपलोड करने के बाद तुम्हें क्या करना है यहाँ पर सबमिट कर देना, ठीक है। तो गाइस मैं नहीं करने वाला क्योंकि देखो मेरा प्रॉब्लम जो सॉल्व हो चुका है मेरी पिछली वीडियो में, अभी मैंने इस वीडियो में वो दिखा भी दिया है कि मेरा प्रॉब्लम जो है पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, तो मैं जो है नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस आपको सबमिट करने के बाद क्या करना है वो तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे आप सबमिट कर दोगे ना उसके बाद तुम्हें अपने जो है वापस से ऊपर जो मैंने दिखाया था जहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन तुम्हें दिखाया था ना, तो मैं वहाँ पर ऊपर जाना है, ठीक है। अब जैसे ही देखो यहाँ पर जो मेरा नेम आ रहा है उस पर क्लिक करूँ, माय रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा, जब जैसे ही आप अपनी सबमिट रिक्वेस्ट कर दोगे ना उसके बाद देखो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा आएगा जो भी आपने लिखा था जो मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, वहाँ पर लिखा आएगा। उसके लिए देखो यहाँ पर सॉल्व लिखा है तो आपका जो यहाँ पर ओपन लिखा आएगा, ठीक है, जिसका यहाँ पर जो फ्री फायर जिसका मैच मेकिंग स्टार्ट होने वाली हो गई ना जिसका मतलब क्लियर हो चुका है उसका यहाँ पर जो सॉल्व लिखा आएगा। देखो मेरा जो क्लियर हो चुका है मेरा मैच मेकिंग स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर मेरा सॉल्व लिखा हो रहा है और आपका यहाँ पर ओपन
लिखा हुआ आएगा, और जिसका ओपन लिखा आएगा उसको थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, कम से कम 10 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो यहाँ पर उनका भी जो है सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व होने के बाद उनका मैच कैसे स्टार्ट होगा वो भी तुम्हें दिखा देना हूँ। तो बहुत से लोगों के साथ क्या हो रहा है, मतलब सॉल्व लिखा होने के बाद भी बताओ जो है उनका मैच स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो मेरा भी नहीं हो रहा था गाइज, आज मतलब 5 दिन बाद जो मेरा रैंक स्टार्ट होने लगा है। तो गाइज आपको जो है वेट करना पड़ेगा, सॉल्व लिखने होने के बाद भी आपको जो है 5-6 दिन और ज़्यादा वेट कर लो, उसके बाद जो है तुम्हारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम भी आज सॉल्व, लगभग 5 दिन बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छी आपको जानकारी दी है, और आप जरूर से शेयर कर देना उस फ्रेंड के साथ जिसका जो है रैंक वगैरह स्टार्ट नहीं हो रहा है, और उनका आईडी जो ब्लैक लिस्ट होता है हो चुका है मतलब, तो उनका भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।